हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वीवो के Y12 फोन के हैंगिंग प्रॉब्लम के लिए। जैसे कि यहां पर अगर आपका फोन काफी पुराना हो चुका है, वीवो का Y12 फोन फाइनली आप लोग यूज करते हो, कभी आपका फोन हैंग हो जाता है, कभी आपका फोन ऑटोमेटिक से पावर ऑफ हो जाता है। जैसे कि अगर आप लोग फोन को यूज करते करते आपका बैटरी फुल चार्ज है तो इसमें आपका फोन जैसे कि हैंग करने लगता है, हैंग करते करते आपका फोन यहां पर ऑटोमेटिक से स्विच ऑफ हो जाता है। और यहां पर कुछ लोग का फोन होता है कि गेमिंग वगैरह करते हुए उनका फोन हैंग करने लगता है। तो फाइनली दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम को हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं, कुछ 4 स्टेप बाय टिप्स बताने वाले हैं। इन टिप्स को अगर आप लोग फॉलो कर लोगे तो आपका फोन यहां पर ऑटोमेटिक से जहां पर स्विच ऑफ होना बंद हो जाएगा, आपका फोन हैंगिंग करना प्रॉब्लम जो कि यहां पर सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखोगे तभी जाकर आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते अपने फोन के स्क्रीन पर और आप लोग को चल के बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि यहां पर बताने वाला हूं वीवो के Y12 फोन के बारे में। Y12 फोन अगर आप लोग यूज कर रहे हो, आपके फोन में हैंग होने लगता है आपका फोन, गेमिंग वगैरह जैसे कि आप लोग फोन यूज करते हो फोन वगैरह को, तो हैंगिंग प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कल ऐसा होता है कि आपका फोन ऑटोमेटिक से स्विच ऑफ हो जाता है, पावर ऑफ हो जाता है। तो फाइनली इन केसेस में हम बात करेंगे, जैसे कि आपका फोन ऑटोमेटिक से स्विच ऑफ हो जाता है तो इन फ्यूचर क्यों स्विच ऑफ होता है मैं बताता हूं। जिसमें हो सकता है कि आपकी बैटरी खराब हो या तो आपके फोन में ज्यादा स्टोरेज फुल होने से होता है। ज्यादा स्टोरेज अगर आपके फोन में फुल हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि आपका फोन ऑटोमेटिक से हैंग करता है, हैंग करते ही आपका स्क्रीन काला हो जाता है एंड आपके फोन में लोडिंग ज्यादा होगा तो आपका फोन हैंग करेगा, हैंग करते ही आपका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब दोस्तों, यहां पर बताने वाला हूं इन स्टोरेज को कैसे आपको क्या करना है, मैनेज कैसे करना है। तो मेरे पास फोन है, यहां पर देखोगे स्टोरेज है, नीचे आप देखोगे स्टोरेज हमारा है, यहां पर हमारे फोन में 43 GB तक फ्री खाली है। आप लोग के फोन में अगर 64 GB मेमोरी है एंड 3 GB रैम है तो प्रॉब्लम यहां पर आती है कि आप लोग अपने 64 GB में से 3 GB को कभी भी फुल मत करना, उसे खाली रखना। 3 GB स्टोरेज को अगर आप लोग खाली रखते हो एंड रैम को आप लोग उतना ही ऐप को इंस्टॉल करते हो जितना आपके काम लायक है, तो जहां पर आपका फोन ऑटोमेटिक से जो कि स्विच ऑफ नहीं होगा, आपका फोन हैंग नहीं करेगा। अब दोस्तों, यहां पर बताता हूं, ये हो चुका आपका ये मेमोरी वाला ऑप्शन। अब बताने वाले यहां पर रैम के बारे में। तो रैम को यहां पर आना सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर आने के बाद नीचे आओगे तो नीचे देखोगे यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा और आपके फोन में एक ऑप्शन मिल जाएगा इंटरनल वाला। यहां पर देखोगे रैम एंड स्टोरेज वाला ऑप्शन आपके फोन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपका रैम देखने को मिल जाता है। तो यहां पर रैम है आपका और रैम वाला ऑप्शन यहां पर मिल जाता है आपके फोन में। तो दोस्तों, यहां पर जो कि रैम कितने एप्लीकेशन, कौन से एप्लीकेशन में कितने GB तक यहां पर लगता है आप लोग चेकआउट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो अपने डाटा को एंड अपने स्टोरेज को। यहां से आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को, यहां से जितने भी ये सब एप्लीकेशन है इसे आप लोग रिमूव कर सकते हो ताकि आपका स्टोरेज खाली हो जाए एंड आपका फोन इन्हीं सब एप्लीकेशन से जो कि यहां पर हैंग करता है प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आपके फोन ऑटोमेटिक से स्विच ऑफ होने लगती है, आपके फोन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों, इसको आप लोग को यहां से फ्री क्लियर करना होता है, यहां पर आप लोग क्लियर कर देना, जो कि इस तरीके से आप लोग को क्लियर करना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आता है एक और स्टेप, जैसे कि अगर आपके फोन में आई मैनेजर तो होगा, आई मैनेजर है तो आप लोग को क्या करना है, आई मैनेजर पर क्लिक करना है। अब एक दूसरा स्टेप है दोस्तों, यहां पर आई मैनेजर के अंदर आना है और यहां पर आपको मिल जाता है फर्स्ट नंबर, यहां पर ऑप्टिमाइज ये वाला ऑप्शन, यहां पर आपको इसे इस तरीके से स्कैन करना है जो कि इसके अंदर जितने भी वायरस वगैरह आपके फोन के अंदर होता है ये डिलीट कर देता है, यहां पे आपका फोन को क्लून बना देता है, तो क्लीन बना देता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, डन करना है, ये क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद दोस्तों, यहां पर मिल जाता है सिक्योरिटी वाला स्कैन, इसे भी आप लोग को स्कैन करना, आप लोग किसी भी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हो तो इसमें रह जाता, तो इसे भी आप लोग को क्लियर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, मिल जाता है यहां पर ये वाला ऑप्शन जो कि आप लोग किसी भी ऐप को इस जो कि क्लीन करना है, तो यहां से आप लोग क्लीन करने के बाद आपका यहां पर जितने भी डाटा होगा, जितने भी MB होगा, यहां पर हो जाएगा क्लियर, यहां पर क्लियर इसे कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, ये क्लियर होने के बाद आपको यहां पर कुछ नहीं करना है। अब यहां पे आपका ये क्लियर हो जाता है, इससे भी आपका जो प्रॉब्लम था यहां पर सॉल्व हो जाता है। एक ऑप्शन आपके फोन मिल जाता है जो कि फोन कूलिंग का। अब फोन कूलिंग का ऑप्शन यहां पर आता है, जैसे कि मैं दिखाता हूं, मिल जाता है आपके फोन में फोन कूलिंग, तो यहां पर आपको मिल जाता है फोन कूलिंग, इससे भी आपको फोन कूलिंग करना होता है। इससे आपका क्या फायदा होता है कि आप लोग जब भी अपने फोन को फोन कूलिंग करते हो तो आपके फोन का जो वायरस होता है, हीटिंग वगैरह होता है, यहां पर प्रॉब्लम जो होता है यहां पर सॉल्व होता है, आपका फोन ज्यादा हीट नहीं होता है, आपका फोन ऑटोमेटिक से जो यहां पर करता है वो
क्या करते हैं, हैंग करता है एंड ऑटोमेटिक से पावर ऑफ होता है, इससे आपका सोल्व हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग को फोन कॉलिंग कर लेना, यहाँ पर सेकंड चल रहा, सेकंड को चलने के बाद आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक से डन हो जाएगा। अब दोस्तों इसे मैंने आप लोग को बता दिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है कुछ और सवाल लेकर। तो जैसे कि अगर आपकी बैटरी ज्यादा उतर जा रही है, ज्यादा ऑटोमेटिक से पावर ऑफ हो जाता है, तो इसमें आप लोग को क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको करना है क्या, जैसे कि आपको अपने बैटरी को पहले सर्विस सेंटर में जाकर चेकआउट कर लेना है, जो कि एक बार टेस्ट करवा लेना कि आपकी बैटरी तो खराब नहीं है। अगर आपकी बैटरी सही है तो यही जो सेटिंग है आप लोग को करना है। और एक बार आपको जाना अपने फोन के सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको यहां पर मिल जाता है, यहां पर देखोगे सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है, दिखाऊंगा मैं, नीचे सिस्टम वाला ऑप्शन मिलेगा, या तो आपके फोन में कुछ अलग सेटिंग होगा उस पर आपको क्लिक करना है। और वहां पर क्लिक करने के बाद आपको रीसेट फोन का ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप अपने फोन को रीसेट ऑल सेटिंग रीसेट कर देते हो अपने फोन को, तो बेटर यहां पे आपका फोन अच्छे से स्मूथली वर्क करेगा। आपका फोन ज्यादा दिन से आप लोग रीसेट नहीं किए हो तो आप लोग यहां से अपने फोन को रीसेट कर सकते हो, इस तरीके से पासवर्ड डालकर यहां पर रीसेट कर सकते हो। अब यहां पर अगर आप लोग को करना है पूरे फुल रीसेट, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर यह वाला ऑप्शन ऑल डाटा, जो कि रीसेट का ऑप्शन, इसे आप लोग रिकवरी कर सकते हो अपने फोन का। पूरे फुल रीसेट करोगे तो आपका जितने भी ऐप वगैरह है वो डिलीट हो जाएगा, तो यहां से आप फुल रीसेट कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पर मैंने इन सभी सेटिंग के बारे में बता दिया, आप लोग अपने फोन में इसे ट्राई करना। यहां से आप लोग एक बार फोन को रिबूट भी कर सकते हो, यहां पर आप लोग को दिख रहा हो पावर ऑफ, तो यहां पे आप लोग एक बार फोन को अपने रिबूट भी कर सकते हो। इससे भी आपका जो कि जैसे कि यहां पर क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि अगर आप लोग फोन को यूज करते हो एंड फोन यूज करते समय आपके फोन में ज्यादा वायरस वगैरह हो जाते हैं एंड ज्यादा आप लोग के फोन में वायरस वगैरह हो जाता है, तो आपका फोन यहां पर हैंग करने लगता है। आपके फोन में पहले तो जो कि स्टोरेज खाली नहीं होता है, आप लोग पूरे फुल करके रख लेते हो एंड उसके साथ में आप लोग अपने रैम को भी फुल कर लेते हो, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों अपने स्टोरेज में आप लोग को 3 से 4 GB तक हमेशा खाली रखना है एंड रैम को आप लोग को 1 GB तक हमेशा खाली रखना है। इससे क्या होता है कि आपका फोन कभी भी इन फ्यूचर हैंग नहीं करेगा, हैंग नहीं करेगा तो आपका फोन ऑटोमेटिक से स्विच ऑफ भी नहीं होगा। जहां पर यह चीज मैंने आप लोग बताया, इन सभी सेटिंग को आप लोग को फॉलो करना है एंड उसके बाद आपका फोन यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, स्मूथली वर्क करेगा। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर इंप्रेस करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।